Hi, grade 3. In previous class, we had completed exercise B. I had also explained you the rule of do and does. हमें sentence में ये rule कैसे use करना है वो मैंने आपको समझाया था. Right? Today, I'm starting with exercise C. Fill in the blanks in the following sentence with the suitable verbs from the ones given in the bracket. आपको जो ब्रैकेट में दो फॉर्म्स दिए गए हैं उसमें से आपको परफेक्ट फॉर्म चूज करना है. इसमें भी आपको सेम दिमाग लगाना है जैसे आप डू डज रूल यूज करके समझ सकते हैं. राइट. नंबर वन, माई डॉग डैश टेल्स व्हेन इट सीज मी. माई डॉग यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज का रूल, ठीक है. सो सिंगुलर में डज वाला रूल आएगा, इसीलिए वैग्स. माई डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट सीज मी. मेरा डॉग जब मुझे देखता है तो वो अपनी पूंछ हिलाता है. नंबर टू, हेंस. हेंस प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू वाला रूल, राइट. तो जैसे प्लूरल हेंस मतलब दे, तो दे के साथ डू वाला रूल. वो हैंस ले एग्स, हैंस अंडे देती. नंबर थ्री, माय ब्रदर ड्राइव्स अ ब्लू कार. मैंने ड्राइव्स लिया क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज वाला रूल, राइट. नंबर फोर, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे. वी हमारी बात हो रही है, राइट. तो हमारा वी मतलब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू वाला रूल, राइट. तो वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे. नंबर फाइव, रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन अवर रूफ. व्हाई आई यूज्ड फॉल, बिकॉज रेन ड्रॉप्स ऑलरेडी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू वाला रूल, राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन एंड योर टुडेज होमवर्क इज यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज सी इन योर टेक्स्ट बुक. विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय फॉर द डे. बाय.